खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की विधानसभा बागली में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ओखलेश्वर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर दौरा प्रारंभ किया, तो वहीं जटाशंकर तीर्थ स्थल पर महादेव का पूजन किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा उदयनगर मंडल एवं बागली मंडल के गांव में पहुंचकर आम जनता से मुलाकात कर विकास कार्य और योजनाओं के बारे में चर्चा की। इसी दौरान बागली में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीमा कमल यादव द्वारा सांसद का स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति के भाषण का सांसद ने वाचन किया। ग्राम पंचायत मातमौर में सरपंच हीरा जाट एवं ग्राम पंचायत मोखा पिपलिया में सरपंच जितेंद्र सिंह दरबार के नेतृत्व में 11 किलो फूलों से बनी माला से सांसद का स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद द्वारा ग्राम पंचायतों में सांसद निधि से राशि देने का भी आश्वासन दिया गया, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य हो। जगह जगह पर सांसद का पुष्प माला से स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सांसद के साथ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जनता जनार्दन के दर्शन करना और माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और जन जन तक के सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। जो हमारी लोक कल्याणकारी योजना है, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस दिशा में हम सब कार्यकर्ता मिलकर जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। और हमारी माननीय राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो राष्ट्रपति रह के बनने के बाद पहली बार अपने अभिभाषण में जो उन्होंने बातें की, उन बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम इस तरह का पूरे शक्ति केंद्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं को जनता को उनके द्वारा जो मुख्य अंश है उन मुख्य अंशों की चर्चा कर रहे हैं। दौरे के दौरान क्या सौगातें दी गई है बागली विधानसभा को सांसद निधि से आपके दौरान? नहीं, जहाँ पर कई छोटे मोटे कई पर चबूतरा के निर्माण की बात है या कई सामुदायिक भवन की बात है तो वो की है। बाकी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हाट पिपला उद्वहन सिंचाई 5,146 करोड़ रुपए की योजना दी है उसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव गांव में पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक के नल से जल पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है उस दिशा में चर्चा कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पक्की छत के मकान दिए जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का गरीबों को लाभ दिया जा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो जनता को जो जनकल्याणकारी योजना है उन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी चर्चा करें, और जो लोग इस योजना से वंचित रह गए ऐसे लोगों को भी सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा कार्यकर्ताओं में और जनता में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।